अभी बात धक्के का सरकार की बहुत मजबूती से सामना करना पड़ेगा। अरे तीन आदमी को टिकट मिला है, जो दमखम वाला नेता होगा हम लोग मतदान को करेंगे। थाना जाते हैं गाड़ी पकड़ लेता है, हम जाते हैं नहीं पकड़ता है, कुर्ता साहब है। सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र के टेकनी हाट में हूँ। टेकनी हाट महलगांव थाना का क्षेत्र है और चौकता पंचायत का हिस्सा है। चौकता पंचायत ये वही पंचायत है जो 2018 के उपचुनाव में विकास नहीं होने पर वोट बहिष्कार किया था इन लोगों ने, और शासन प्रशासन के मनाने पर भी इन लोगों ने नहीं बात नहीं मानी थी। तो अब तब से अब तक यहाँ की फिजा कितनी बदली है, कितना विकास हुआ है, ये हम आज जानने के लिए लोगों से स्ट्रीट लाइट के नीचे में बात करेंगे। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि सदियों से ये लोग RJD को वोट करते आ रहे हैं, दशकों से, और एक तस्लीमुद्दीन परिवार को वोट देते आ रहे हैं। इतने दिनों में यहाँ की ज़िंदगी कितनी बदली है, खुद लोगों से पूछेंगे। इस बार उनके चुनाव के मुद्दे क्या हैं ये भी जानेंगे। वोट किसे देंगे या नहीं ये सवाल हम नहीं करेंगे, लेकिन ये ज़रूर पूछेंगे किन मुद्दों पर चुनाव में जाएंगे इस बार। तो हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं, उससे पहले बुज़ुर्ग लोगों से बात करते हैं। बताइए क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के यहाँ के? पहला मुद्दा ये है कि मास्क को ऊपर कीजिए, दक्षिणी क्षेत्र का बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर जब ये बच्चा पैदा होता है वो अस्पताल में जाइए तो वहाँ भैंस या गाय बंधा हुआ मिलेगा। कहाँ पे है अस्पताल? अस्पताल है भी या नहीं है? है। किस जगह? चौका पंचायत में है। अच्छा, वो पंचायत में वो तो उप केंद्र है? उप केंद्र नहीं है, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है। अच्छा, उसके नाम पर जब यहाँ बच्चे को अच्छे जन्म देने के लिए महिला इतना परेशान होती है कि रास्ते में जाके दम टूट जाता है या बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो ये सब बहुत सारी समस्या है। अब आई मुद्दे पर बात कि सरकार आएगा तो बदलेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं। अभी बात धक्के का सरकार की बहुत मजबूती से सामना करना पड़ेगा, कहीं पार्टी का आदमी मजबूत है, हम लोग कमजोर आदमी हैं, यहाँ नेता दमंग जो भी है। अरे तीन आदमी को टिकट मिला है, जो दमखम वाला नेता होगा हम लोग मतदान को करेंगे। अब थाना जाते हैं गाड़ी पकड़ लेता है, हम जाते हैं नहीं पकड़ता है, कुर्ता साहब है। अच्छा। वो जाता है पकड़ लेगा। जोकीहाट इलाके का ये सबसे आखिरी हिस्सा है और बीच में महलगांव OP थाना पड़ता है। इन लोगों का ये कहना है कि अगर हम लोग खेत में जाते हैं तो पुलिस वाले बाइक पकड़ लेते हैं, अगर वो लोग उधर से जूता चप्पल के बगैर आते हैं, लुंगी में खेत से आते हैं तो भी बाइक पकड़ लेते हैं, मवेशी लेकर के आते हैं तो तस्करी का आरोप लगा देते हैं, यूरिया खाद लेकर के डीजल पेट्रोल लेकर के आते हैं तो भी आरोप लगा देते हैं। इन चीज़ों से ये लोग बहुत आजीज हैं। इनका चुनाव का मुद्दा है प्रशासन की, खास करके पुलिस प्रशासन की मनमानी। क्या यही मुद्दा है? इससे निजात चाहते हैं? एकदम निजात चाहते हैं कि सरकार से भी निजात मिले, कानून से मिले। बिल्कुल बिल्कुल। आप आपका क्या कहना है? हमारा कहना है फ्लड वाला एरिया, हाँ, 10 बार फ्लड आ चुका है यहाँ, कुछ नहीं मिला आज तक। अब क्या कहेंगे, जैसे होता है हम लोग जीते हैं। अच्छा। इतने सालों में वोट तो एक ही आदमी को करते आ रहे हैं, एक ही पार्टी को करते आ रहे हैं, तो पार्टी ने क्या दिया फिर आप लोग जो इतना रोना रो रहे हैं? क्या कीजिएगा, मतलब वोट देना भी मजबूरी है? मजबूरी है, हाँ, ये बात है। आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे इस इलाके का, चौकता के लोग अगर टेकनी हाट आए तो कैसे आते हैं, जरा रास्ता बताइए। तो सर रास्ता तो बड़ी कठिन से आना पड़ता है टेकनी हाट चौकता वालों को, और वो हर जितने भी नेता है, हर नेता को पता है, चाहे कोई सी पार्टी का नेता हो, सबको पता है कहाँ पे कितना कठिन है। सैलाब 2-4 बार आके चला गया, कोई माँ बाप नहीं, कोई पिछने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं आया आज तक, ना बड़ा ना छोटा। जो MP है वो भी नहीं आया, जो MLA है वो भी नहीं आया, अगर आया भी तो कुछ काम के नहीं है।
सारे बंदे का खेत खत्म हो गया सर। हाँ ये बात सही है, सबका किसान आदमी का धान खत्म हो गया, इसका भरपाई कौन करेगा? जब एमपी यहाँ नहीं आता, कोई बड़ा आदमी नहीं आएगा, तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? बड़ा दिलचस्प बात यह है कि अभी हर तरफ धान की लहलाती फसलें हैं, मतलब सोने जैसी परतें चढ़ी हुई है, धान जब पक रहे हैं तो वो नज़ारे हैं, लेकिन इस इलाके में धान की खेती हुई ही नहीं है, तो इस इलाके के लोग कैसे जिएंगे, नहीं जिएंगे, बहुत बड़ा संकट है। और दूसरी बात ये, सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में इलाका जोकिहार थाना क्षेत्र में या अररिया जिले में मशहूर है, पर यहाँ के किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं, तो बताइए क्या समस्या है किसानों का यहाँ पे? धान की खेती इस बार नहीं हो पाई, बोलते हैं हाँ, धान खत्म हो गया, क्या सब्जी की भी खेती नहीं हो पाई? नहीं, अभी सब्जी कैसे करें? 70% करे लोग खरीदते हैं हम लोग, हाँ 70% करे लोग, और जी मैंने 50% 60% आलू खरीदते हैं जी, अभी का 50% जी 60% से प्याज खरीदते हैं, सब चीज महंगा, यहाँ नीचे जमीन निचान जमीन है, कोई चीज लगा नहीं पाते हैं, लगाते हैं तो फिर दही हो जाता है, तो क्या मजबूरी है हम लोग का पास में जी, वो हम ही लोग जानते हैं, तो कोई का देखने वाला भी नहीं होता, ना आता कोई देखने लिए, क्या हो मजबूरी है क्या? तो ये कहें सर कि जो 10 साल पहले जो टाइम था ना, जो चीज़ था, हम सोचते हैं कि 10 साल के बाद जो अभी है वही टाइम फिर आ गया, फिर आने वाला है। अच्छा आने वाला है, चलिए आप बताइए क्या करना चाहिए। बात एक बात हम और कहना चाहते हैं, 10 रुपए किलो था वो भी, शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है कि खाली एक टेक्निक हाथ में देखते हैं कि मध्य विद्यालय पढ़ाई हो रहा है, बाकी जगह में बंद है। अच्छा बंद है स्कूल, जब बच्चा शिक्षा नहीं पाएगा तो विकास का बात कैसे करेगा? सही बात है, स्वास्थ्य शिक्षा यही मुद्दा न है, दूसरा क्या है? आप सारे मुद्दे तो बड़े प्यार से गिना रहे हैं, एक मुद्दा मेरा है, बोलिए। इतने सालों में आपने कितने विधायक बदले, कितने सांसद चुने? नहीं बताइए जरा, नहीं एकदम बिल्कुल रियलिटी से बताइए, गिनती के साथ बताते हैं। हाँ दो ही पार्टी में गए, हाँ सैयद शाहनवाज हुसैन से दिए वोट, उसके बाद लालू के साथ हैं, लालू के साथ। हाँ तो जब फिर आपको ये शिकायत है कि आपके यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते नहीं हैं, न अस्पताल है, न सुई है, न रुई है, न इंजेक्शन है, तो फिर आप ये रोना किसके लिए रो रहे हैं? रोना वो हमारा अधिकार है, अधिकार तो आपका है, वोट भी अधिकार, वोट भी देना एक अधिकार है, तो आप जो वोट दे रहे थे इसी उम्मीद पर दे रहे थे कि विकास हो आपके इलाके का, नहीं हुआ? हुआ हुआ, विकास हुआ, अगर अच्छा, नहीं होता हाँ, तो परिवर्तन कैसे हुआ? अच्छा, पहले टेक्निक हाथ में आते हाँ, तो रास्ते मुश्किल थे एकदम, जो कि जाने में 3 घंटा लगता था, अभी 10 मिनट 15 मिनट। लेकिन चौकता में वही परेशानी हाँ, चौकता चको जगह है हाँ, वहाँ का लोग चको जगह है, वो होशियार नहीं हुआ तो जिंदगी भर समंदर में रहेगा। अच्छा ये बात है, चलिए आप बोलिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं यहाँ के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे, यह चुनाव के मुद्दे है कि महंगाई सबसे ज़्यादा जो हाई लेवल पर है वो कम होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण में योगदान कर रहे हैं, महंगाई चीज़ खरीद कर और